नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डीके राय। आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 से रिलेटेड स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे कम करें और हम कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऐसे कठिन समय में जी सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें स्ट्रेस कोविड-19 की वजह से कितने तरह के होते हैं। पहला होगा मेडिकल स्ट्रेस, दूसरा होगा सोशल स्ट्रेस और तीसरा होगा फाइनेंशियल स्ट्रेस। मेडिकल स्ट्रेस में मरीज अगर यदि आप हैं तो आपको भय होगा कि हम पता नहीं कब तक ठीक होंगे, ठीक होने के बाद भी हमें कोई दिक्कत ना रह जाए, हमारे घर वालों को ना हमसे बीमारी फैल जाए। यदि आप अटेंडेंट हैं तो आपको अपनी फैमिली में इन्फेक्शन होने का डर होगा। यदि डॉक्टर, नर्स या हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आपको ये स्ट्रेस होगा कि हमारा वर्कलोड कब तक कम होगा, हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। यदि आप हेल्दी पर्सन हैं तो ये आपको भय होगा कि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए दूसरे लोगों से, सामने वाला व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको कहीं कोविड ना हो, ये सबसे बड़ा भय है। और उसके बाद जो अगला है कि आप कभी कभी एंजाइटी ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे मान लिया आपको खांसी हुआ तो आपने सोचा कहीं आपको कोविड तो नहीं है, फिर आप एंग्शस हुए और अपने सिम्टम्स पर फोकस किए तो आपकी सांस फूलने लगी, फिर आपने अपने फिर आप और एंग्शस हुए, फिर आपने अपने सिम्टम्स पर फोकस किया तो फिर आपको फिर से खांसी हो गई। तो इस तरह से आप एंजाइटी ट्रैप में फंस सकते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अगला जो टाइप है वो है सोशल स्ट्रेस, कि क्वारंटीन में पेशेंट अकेले रहता है तो वो लोनलीनेस फील करता है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भी लोग जो है एकाकीपन फील करते हैं और अपने आप को सोशल स्ट्रेस झेलना पड़ता है। लोगों के रूटीन चेंज हो जाते हैं वर्क फ्रॉम होम की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो इससे भी सोशल स्ट्रेस बढ़ता है। जबकि फाइनेंशियल स्ट्रेस कि कोविड-19 की वजह से कितने लोगों की जॉब चली गई, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है कि जिसकी है भी उसकी जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ गई कि पता नहीं हमारी जॉब रहेगी कि नहीं, सैलरी कम हो गई। बिजनेस है तो बिजनेस का इनकम कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गई। अब ऐसे में सोशल, मेडिकल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से यदि आपको पहले से कोई एंजाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो फिर से एग्रीवेट हो गई, यानी फिर से और बढ़ गई। और यदि आपके पास को नहीं है तो एंजाइटी या स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे में कुछ लोग परेशान होकर के अल्कोहल, टोबैको या ड्रग्स लेने लगते हैं, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना होगा और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा अनसर्टेनिटीज को, कि जो अनिश्चितताएं हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हम केवल एक्सेप्ट कर सकते हैं। थर्ड वेव कब आएगी, वी कांट डू एनीथिंग। इसलिए हमें उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ही फोकस करना पड़ेगा, कि सबसे पहले कि हमें लॉकडाउन की वजह से हमें एक फैमिली टाइम मिल गया, कि अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल गया, हमें अब नई स्किल्स सीखनी होगी, हमें नई हॉबीज डेवलप करनी होगी। इस तरह से पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस करना होगा। कभी कभी थोड़ा बहुत चिंता आवश्यक भी है, क्योंकि चिंता का नहीं होना ही इस पेंडेमिक का कारण है कि लोग कुंभ मेला में नहाने लगे, रैली करने लगे, मॉल घूमने लगे, सिनेमा हॉल जाने लगे, जिससे कि आज हमें यह पेंडेमिक झेलनी पड़ रही है। तो इसलिए कोविड से भय या चिंता थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए जिससे कि हम अलर्ट रह सकें, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। और एक दोहा भी है कि अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। यानी न बोलना अधिक अच्छा है, नहीं चुप रहना, नहीं बरसना अधिक अच्छा है, नहीं धूप अच्छा है। तो इसलिए कोई भी चीज़ एक निश्चित अमाउंट में हो तो ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके लिए हमें कुछ करना होगा। फिर फोकस ऑन विच वी कैन कंट्रोल, कि अब हम जिन चीज़ों पे नियंत्रण कर सकते हैं उस पे फोकस करेंगे। सेकेंड वेव कब खत्म होगी, थर्ड वेव कब आएगी, थर्ड वेव में क्या होगा, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए इस पे फोकस करने से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। इसकी जगह हम अपनी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपना वैक्सीनेशन कराएं, अपना हाइजीन मेंटेन करें, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग पे ध्यान दें, तो हम अपने आप को न सिर्फ स्ट्रेस लेवल इम्प्रूव कर सकते हैं बल्कि अपनी लाइफ स्टाइल भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो है जो कि अपने मित्रों और परिवार वालों से बात करना होगा, ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल और भी उससे कम होगा। नेक्स्ट इज कि
कि हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचना होगा, जैसे ब्रेकिंग न्यूज, कोविड 19 केसेज, उसकी वजह से होने वाले डेथ, थर्ड वेव में क्या होगा, कौन कौन प्रभावित होगा थर्ड वेव में, लॉकडाउन किस किस स्टेट में लग गया, ऐसी न्यूज हमारी स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती हैं। इसलिए ऐसे न्यूज से हमें बचना होगा और हमें अपना ध्यान कॉमेडी मूवीज या बुक रीडिंग पे लगाना होगा। अगला है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, नहीं पास्ट के लिए रिग्रेट करिए और नहीं फ्यूचर के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लीजिए, क्योंकि पास्ट जो बीत गया उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वी कांट चेंज, और फ्यूचर वो हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर वैसा ही होगा जैसा हम प्रेजेंट में करेंगे। हम अगर प्रेजेंट में सावधानी बरतेंगे तो फ्यूचर में हमें कोविड इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं, तो इसलिए प्रेजेंट में हम हार्ड वर्क करेंगे तो फ्यूचर में हम सक्सेस होंगे। तो इसीलिए हमेशा फ्यूचर जो है प्रेजेंट पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए फ्यूचर के लिए वरीड होने की जगह हमें प्रेजेंट पे फोकस करना होगा और पास्ट के लिए रिग्रेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है डाइट। हमें स्ट्रेस को कम करने के लिए बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जैसे प्रोटीन रिच डाइट, और उसमें स्ट्रेस को सबसे कम करने के लिए जो सबसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको लेने से स्ट्रेस कम होगा, उसमें है एप्पल। एप्पल में विटामिन बी, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जिससे कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। दूसरा है केला। केला में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है और मेलाटोनिन होता है, जो हमारे अच्छी नींद को बढ़ावा देता है और इससे हमारा मन शांत रहता है। उसके बाद ओट्स है, जो शरीर में सीरोटोनिन लेवल बढ़ाता है, जिसे फील गुड केमिकल कहते हैं, और हमारा मन प्रसन्न रहता है। उसके बाद है नट्स एंड सीड्स, ये भी हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं और विटामिन बी रिच होते हैं, इसलिए कामिंग इफेक्ट होता है, यानी हमें काम एंड कूल रहने में हेल्प करते हैं। अगला है दालचीनी और इलायची, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, जबकि हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें मैग्नीशियम होता है जो हमें काम एंड कूल करने में हेल्प करता है और डिप्रेशन को कम करता है और बॉडी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है, जबकि दूध हल्दी के साथ, इसे गोल्डन मिल्क कहते हैं, और इससे एंजाइटी डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, जबकि हनी या शहद जिसे नेचुरल स्वीटनर कहते हैं, और इसको यदि बादाम के साथ लिया जाए तो हम काम एंड कूल रहेंगे और स्ट्रेस लेवल कम होगा, जबकि लहसुन या गार्लिक ये कामिंग एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है और ये हमारे मूड को एलिवेट करता है, जबकि ओनियन या प्याज और टमाटर ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। इसके अलावा जो अगला स्टेप है एक्सरसाइज, सबसे पहले हम अपनी लिटिल फिंगर के नीचे 1 मिनट तक प्रेस करेंगे। दूसरा होगा अनुलोम विलोम, जैसा सभी जानते हैं कि बाईं ओर से सांस लेंगे तो दाईं ओर से छोड़ेंगे और दाईं ओर से लेंगे तो बाईं ओर से छोड़ेंगे। भ्रामरी, जिसमें भौंरे की तरह गुंजन करते हैं, और हास्यासन, हंसने से भी हमारे स्ट्रेस को में कमी आती है, चाहे वो आर्टिफिशियल हंसी ही क्यों ना हो, लेकिन उससे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और स्ट्रेस लेवल कम होता है। इसलिए यदि हम ये 7 तरीके अपना लिए तो हमारे स्ट्रेस को ही न सिर्फ कंट्रोल करने में मदद मिलेगी बल्कि हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा और एक हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।